आज हम करने वाले हैं अनार एक्सपेरिमेंट जो है आपका इंडिगो ब्रांड का, और इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिस पे लिखा गया है कलर कोटी, और इससे हम लोग आज देखेंगे कि अगर इसको अगर जलाया जाए तो ये कितना मैक्सिमम टेम्परेचर दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक स्टील को, जो स्टील का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर उसको फेरन डिग्री सेल्सियस में देखा जाए, फेरन हाइट में देखा जाए, तो उसका टेम्परेचर है 2500 से लेकर 2800। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए तो वह है 1300 से लेकर 1500 तक। क्या ये वाला आपका जो इंडिगो ब्रांड का जो आपका अनार है, क्या उस स्टील को छेद पाएगा? इसके एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे और चलिए दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा अनार। पहले इसको ओपनली हम टेस्टिंग करेंगे कि ये कितना ऊपर फ्लेम दे सकता है और कितना ऊपर फुहारा बना सकता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो ग्लास है या हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा जो स्टील का, उसके साथ हम लोग इसकी तुमको जला के आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए इसको चला के हम दिखाते हैं। पहले हम इसको जला के आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारा रहा अनार, और अनार का फ्लेम अब बढ़ते जा रहा है। और देखिए ये गाइज, ये रहा फ्लेम, और इसका फ्लेम लगभग लगभग आप समझ सकते हैं कि एक छत। हेलो गाइस, जैसा कि हमने अनार को जलाया, और अब हम देखने वाले हैं अगर इस अनार को, अगर इस हमारा जो स्टील का ऑब्जेक्ट है, अगर स्टील के ऑब्जेक्ट को क्या ये अनार सरवाइव कर पाएगा? क्या ये जो अनार है, ये जो स्टील का ऑब्जेक्ट अगर इस पे रखा जाए तो क्या ये मेल्ट हो पाएगा, क्या ये पिघल पाएगा? चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, हो गया है रिएक्शन। देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या दिखता है। तो हमारा अनार जलना शुरू कर दिया है और पूरा फ्लेम में जल रहा है। वाह गाइस वाह, ये वाला आपका, देखिए ये जो अनार था, ये अनार का मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे ख्याल से ये हो चुका है लगभग लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। और उतना टेम्परेचर जाने के बाद देखिए ये वाला जो हमारा जो स्टील का ऑब्जेक्ट था उसमें छेद भी हो चुका। हेलो गाइस, देखिए जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, हमारा जो अनार था उस पूरे ये स्टील के ऑब्जेक्ट में भी छेद कर चुका है, होल कर चुका है इसमें। मतलब आप समझ जाइए क्या कि जो हमारा स्टील होता है उसका जो टेम्परेचर है, जो पिघलने का टेम्परेचर है, वो आपका होता है 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये स्टील जो है वो उसमें होल हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा अनार था उसका टेम्परेचर 1500 से भी ऊपर जा चुका है, 1800 और 3000 के आसपास इसका टेम्परेचर गया।